हे एवरीवन, मैं शालिनी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरुआत से डांस सिखाने की जो सीरीज है, ये सीरीज मैंने उन लोगों के लिए चलाई है जिनको डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है और वो डांस करने का शौक रखते हैं और वो करना चाहते हैं। तो आपको जो शुरुआत से डांस सिखाने की सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आप शुरुआत से देखिए और डांस सीखिए। इससे पहले वाले दो तीन पार्ट स्टेप हाथों के सिखाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज भी मैं आपको हाथ चलाना ही सिखाऊंगी, क्योंकि अब हाथों के स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं डांस के लिए, पैरों के साथ साथ कमर के साथ साथ। तो आज भी मैं आपको हाथों के पांच स्टेप सिखाऊंगी। आप शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा और सीखिएगा। बहुत इजी स्टेप है, आप इजीली सीख लेंगे। ताकि आप कहीं भी अभी शुरुआती कर रहे हैं अगर डांस की, तो आप थोड़ा बहुत ही सही ग्रुप में ही सही आप हाथ चलाना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथ सामने से ले जाएंगे आप, राइट लेफ्ट स्लोली। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पहले आपको अपने मुख फेस की तरफ रखना है, फिर सामने रखना है, फिर अपने फेस की तरफ, फिर सामने, फेस की तरफ सामने। यही स्टेप है। और पैर चलेंगे आपके ये वाले, ओके। और हाथ आप ऊपर से शुरू करेंगे, और जब हम ऊपर से हाथ शुरू करेंगे तो हम मेरे जो लेफ्ट वाला हैंड है थोड़ा ऊपर है, राइट वाला थोड़ा नीचे है। दोनों अंगूठे मैंने अंदर को मोड़े हैं ताकि अच्छे से स्टेप बन जाए। और थोड़ा आपको बाहर को पुश करना है, ये अंदर है तो भी बाहर को, बाहर को है तो भी बाहर को, ओके। बाहर को आपको पुश टाइप का करना है हाथ। 1 2 3 एंड 4, है ना? इजी। लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे। 1 2 3 एंड 4। ओके, यही हम अपोजिट साइड से करते हैं, राइट साइड से। अब जब हम राइट साइड से करेंगे तो हमारा राइट वाला हैंड ऊपर आएगा। अभी तक लेफ्ट था तो लेफ्ट ऊपर था और लेफ्ट वाला हैंड नीचे। फिर सेम प्रोसेस करेंगे हम, पैर आपका सेम चलेगा वही। अब देखिए मेरा पैर तो लेफ्ट चलता है, आपका राइट भी चल सकता है, तो ये मत सोचिएगा कि सेम ही चलाना है। जो आपका जो जैसा पैर चले वो चलाएगा, और पैर ये वाले चलेंगे, इस चीज का ये ध्यान रखेंगे। 1 2 3 एंड 4। है ना इजी। अगर आप ढोलक में डांस कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर आपको ऐसे उठा दिया कोई भी सॉन्ग में, अब आपको नहीं समझ आते, लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे क्या क्या है, तो आप बस ये स्टेप मार दीजिए, बढ़िया हो जाएगा आपका डांस ये। अब इसको आप फास्ट करने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना सिंपल। अब दूसरा स्टेप है आपका राइट वाला पैर लेफ्ट साइड ले जाना है, देन पीछे करना है, ओके। ये पैर आप सीख चुके हैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, है ना, आगे पीछे वाले पैर आप सीख चुके हैं, तो यही करना है आपको। ये पैर चलेंगे और हाथ आपका कुछ भी नहीं, सिंपल कमर में रखेंगे, लेफ्ट राइट वाले हैंड से, पहले लेफ्ट देन राइट, पैरों के साथ। जब लेफ्ट को जाएगा तो आपका राइट वाला पैर भी लेफ्ट को ही जाएगा, देन पीछे आएगा राइट को, हाथ भी राइट को। 1 2, पहले आप बिल्कुल मत मटकिए, खाली हाथ की प्रैक्टिस करिए, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी में मटकने की कोशिश करिए। 1, जब आपका पैर आगे जा रहा है ना, कमर बाहर को निकलिए। 1 2 3 एंड 4। बैठ के नहीं देखना है, खड़े हो जाइए जल्दी से और करिए, अभी सीख जाएंगे आप। अब इसी को हम राइट साइड करते हैं, ओके। राइट कमर राइट हैंड से पकड़ेंगे, देन लेफ्ट वाला हाथ आगे। 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, थोड़ा तिरछा हो जाना, तब और अच्छे से हो जाएगा स्टेप आप। आप खड़े हो, सामने खड़े होके भी कर सकते हैं ये, ओके। अब देखिए यही स्टेप में जो ये कर रहे हैं, अगर आपको भांगड़ा करना है, स्टेप यही है, ओके। ये तो मैंने आपको सिंपल बताया कि आप कोई भी सॉन्ग में कर लो। अब आपको भांगड़ा करना है तो भांगड़ा भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंधे लाने हैं, और कंधे लाना भी बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, आप कंधे ला दीजिए। 1 2 3 एंड 4, देखिए फर्क है ना कि कैसा है, स्टेप सेम है लेकिन फर्क है थोड़ा सा 19-20 का, कि आप अगर भांगड़ा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस कंधे उचका लिए, भांगड़ा हो जाना है, ठीक है। हाथ भी है कंधे पे, बस थोड़ा सा हाथ इसमें हिलेंगे आपके, ओके। देखा, एक स्टेप से हमारे दो स्टेप बन गए।
अब हम इसी स्टेप से तीसरा स्टेप भी बनाएंगे। अब वो कैसे, अभी तक आप एक हाथ यूज कर रहे थे, अब हम सेम करेंगे डांस, आगे पीछे पैर। ओके, आगे पीछे पैर किया, अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ यूज करेंगे। तो मेरा लेफ्ट वाला हैंड है लेफ्ट साइड को करा है, राइट वाला हैंड थोड़ा पीछे, और अब हम राइट वाला हैंड सेम करेंगे जो हमने इससे पहले बताया आपको मैंने, और पैर भी सेम चलेगा, बट मेरा लेफ्ट वाला हैंड है वो सामने आ जाएगा। बस इतना फर्क है, और देखना स्टेप में कितना चेंजेस लगते हैं, अलग स्टेप लगेगा आपको। 1 2 5 6 7 8 सेम, 1 2 3 4, देखिए स्लोली स्लोली बता रही हूँ मैं आपको, 6 7 8। दूसरा जो पैर है वो अपनी ही जगह में रहेगा जब भी आप करेंगे ये। ओके, ये वो अपनी जगह में ही, थोड़ा सा उसको हल्का हल्का वो अपने आप खुद ही हिलेगा, आपको उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया, यही स्टेप में अगर हमें भंगड़ा करना है वो भी हो जाएगा। 1 2, बस क्या करना है हमने, अपने कंधे हिला लेने हैं। ओके, ये और पैर हाथ सब सेम चल रहे, बस कंधे हिला लेने हैं। जब आप राइट को मुड़ रहे हैं ना, तो राइट वाला हैंड थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये लेफ्ट वाला थोड़ा पीछे, तब आपका स्टेप क्लियर होगा। अब आते हैं हमने फोर्थ स्टेप में, पैर आपका वही पहले वाला चलेगा ये। अब हमें हाथों का स्टेप करना है। ओके, तो हाथों का स्टेप करना है, ले जाएंगे क्रॉस चेस्ट के आगे, देन खोलेंगे वापस। और पैर आपका नॉर्मल चलेगा, 1 2 3 4, फेस कैसे क्रॉस, ओपन क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन। ओके, सिंपल स्टेप है, आया और आप सीख जाएंगे ना, तो आपको खुद से ही पैर चलाना आता है, आपको बीट पकड़नी आती है, पैर चलाना आता है, तो आपके स्टेप अपने आप बन जाए। तो अब हम थोड़ा इजी से ऊपर आते हैं, एल्बो टेढ़ी कर लेनी है आपने, ये राइट हैंड है मेरा, तिरछा करना है, तो इसको पैर आपका ये चलेगा, राइट वाला हैंड थोड़ा एल्बो टेढ़ा करके राइट साइड को मारेंगे, फिर इसको नीचे राइट साइड, फिर ऊपर से नीचे, सेम हम लेफ्ट से भी करेंगे। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए स्टेप का क्या है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से, अगर आप ये स्टेप हल्के हल्के करते, ज्यादा पैर नहीं उठाते, तो वो ऐसा दिखेगा, कैसा लग रहा है, बहुत वीक ना। और अगर आप यही स्टेप, आया फर्क, तो ये फर्क सिर्फ आप खुद ला सकते हैं, वो भी प्रैक्टिस करके। ओके, डेली प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे। तो अब हम करते हैं लेफ्ट साइड से, राइट हैंड से कमर पकड़ेंगे, देन लेफ्ट हैंड, 1 2, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग स्टेप हो जाएंगे, 1 2। सेवन, अच्छा था स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो स्टेप बन गए, मैं 5 ही बताने वाली थी, बट 6 हो गए, कोई बात। दोनों हाथ नीचे करेंगे और इसको अपोजिट ले जाएंगे, नीचे राइट वाला ऊपर है, लेफ्ट वाला नीचे, अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आया मजा आपको सीखने में, मैं एक बार सारा रिवाइज कर देती हूँ जो आज मैंने आपको सिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, ये सिर्फ स्टेप नहीं बता रही हूँ मैं, आप देखेंगे कि हम ये कैसे गाने में यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आप मेरे साथ सीरीज वाइज चलते रहिए, इसलिए मैं एक एक करके सीरीज में बता रही हूँ कि आगे आपको परेशानी ना हो। आज की डांस क्लास मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जो मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुंचे, थैंक यू वेरी मच, और आपके कमेंट में पढ़ते रहती हूँ, और मुझे काफी अच्छा लगता है कि लोग सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। आपको शौक है और आप करना चाहते हैं, शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, आप जरूर डांस सीख जाएंगे। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और डांस सीखते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डांस क्लास में, तब तक के लिए बाय।